सो हेलो हाय गुड मॉर्निंग आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आज फिर से आ गया अर्ली पोस्ट के टॉक शो में जिसे पावर्ड किया है आई मीन पावर्ड बाय ई2 बेकरी। पर आज मेरे इंटरव्यू लेने वाली है नियति। ठीक है तो पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगी आज के टॉक शो में क्योंकि मुझे लगता है इनकी ज्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शाजी खान जो थिएटर आर्टिस्ट है, पोइट भी है, राइटर भी है और कॉमेडियन भी है। और ये इतना टैलेंट बड़ा हुआ है इनके अंदर की बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब बहुत अच्छी तरह से ही जानते हैं। लड़की को जब इतनी तारीफ करे ना तो फिर ऐसे बंदा बैठ नहीं पाता। बाय द वे थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। और अर्ली पोस्ट का भी थैंक्स और आपका भी थैंक्स और पूरे मैनेजमेंट का थैंक्स कि यार मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहां पे आऊं और कुछ बातचीत हो सके हमारी। देखो मैंने आपको जैसे बोला शाजी खान को तो बहुत लोग जानते हैं बट शाजी खान का सफर क्या रहा, तो चाहेंगे कि शाजी खान अभी शुरुआत करें कि इस फील्ड में आने का सफर क्या था। मेरा भाई मैं सफर बोलूँ ना, मेरा वाकई बहुत फिल्मी टाइप रहा है सफर, क्योंकि बेसिकली मैं डोडा भदरवा से बिलोंग करता हूँ, भदरवा का रहने वाला हूँ बेसिकली। और डोडा में मेरी सारी स्कूलिंग हुई है, पढ़ाई हुई है मेरी वहाँ पे। मेरे दोस्त वगैरह अक्सर मतलब मेरे टीचर्स वगैरह बड़ा अप्रिशिएट करते क्योंकि तब मैं खाली मिमिक्री करता था, मतलब एक्टर्स की आवाज़ वगैरह निकालनी, एक्टर नहीं था। क्योंकि डिफरेंस होता है कि एक्टर और एक मिमिक्री आर्टिस्ट के बीच में, तो मैं मिमिक्री वगैरह करता था। मेरे टीचर्स बड़े प्रोत्साहन करते थे, मेरे जो दोस्त थे वो चाहे कहीं भी पिकनिक जाए मुझे वो कहते थे तेरा सारा खर्चा हम उठाएंगे तो सिर्फ साथ चल, मतलब मैं साथ ले जाता था उन्हें। और बस पिकनिक पे उनके साथ मौजू करना, मजाक करना, प्रैंक्स करने, गैग्स करने बहुत सारे दोस्तों के साथ, तो एक अच्छा सफर रहा। फिर मेरे जो गुरु हैं मिस्टर राजीव राणा जी, उन्होंने डोडा में जब मुझे देखा उन्होंने कहा कि यार एक थिएटर भी होता है हमारे जम्मू में, एक बार ट्राई कर लेना। मुझे तो पता ही नहीं था थिएटर होता क्या बेसिकली। फिर जब जम्मू आना हुआ और फिर शशि भूषण शर्मा जी जो मेरे अब गुरु हैं थिएटर के, उनके साथ मुलाकात हुई और उनका हाथ थामा और बस अब तक चल रहा हूँ। तो आगे की क्या प्लानिंग है, सिर्फ दिखेंगी भी। और वैसे भी ऑलमोस्ट मैं तो पूरे साल काम करता ही हूँ थिएटर को लेके, तो मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ। जितनी भी मेरी टीम है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत पैशनेट हैं लेके, ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, बहुत सारे और भी आर्टिस्ट इतने अच्छे अच्छे हैं। NN के ग्रुप है, अपने रोहित भाई का ग्रुप है, सुनील है, अपने विजय भैया हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ की मतलब यह है कि प्लानिंग बहुत सारी आपको दिखने भी वाली है। एकेडमी अभी बहुत सारा काम कर रही है आर्टिस्टों के लिए और होप्स हो कि वो जल्दी जल्दी अब ग्राउंड लेवल पे भी शुरू हो जाए। और अभी कुछ एक और प्लेज हैं मेरे, अभी चुकर 3 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 और 2 जो था बहुत हिट गया हुआ है, तो लोगों ने कहा कि हमने 3 भी देखना है, तो वो 3 भी मैं लिखने लगा हूँ बस। तो बहुत जल्दी प्लानिंग आप देखेंगे बस। शाजी जी आपके जो स्टूडेंट थे वो भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए हमारे टॉक शो में आए थे, उन्होंने भी आपका जिक्र किया था, तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स को जो आप सिखा चुके हैं? देखिए ये बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे एक स्टूडेंट यहाँ पे आए थे साहिल सिंह राजपूत, इन रंजवीर की बात करें, मेरा छोटा भाई भी है। और अच्छा लगता है कि जब आपका स्टूडेंट या आपका जो छोटा भाई है वो कुछ अचीव करता है उसके बाद आपको याद रखता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं एक्चुअली अपने सारे स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ। और जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स का सवाल है, ऑलमोस्ट जम्मू की जो क्रीम होगी ना, जितनी भी क्रीम है वो सारी नवदुर्गा कला मंच से ही, मुझसे या फिर शशि भूषण शर्मा सर से ही सीख के गई हैं। चाहे वो मुंबई में काम कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे कहीं और काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जो क्रीम है ना वो यहीं से निकली है। अरे मैं चाहूंगी पहले तो आप एक कोई मिक्री करके हमारे दर्शकों को सुनाए ताकि थोड़ा मजा आ जाए। मिक्री वेल आजकल मेरा अजय देवगन को बड़ा पसंद करते हैं मेरे स्टूडेंट्स, खासकर मेरे बड़ा उनका बड़ा पसंदीदा है। और मैं चुपकर में रिसेंटली उसको डाल भी रहा हूँ कि विमल पाल बशाला डाले डाले बे केशर कठम भोलो शोभा केशरी, वो उनको ज़्यादा पसंद है। उसके बाद नाना पाटेकर उसके बाद शाहरुख खान को बहुत पसंद करते हैं लोग रामा खान साहेब बाबू जी ने कहा गांव छोड़ दो, मैंने कहा मैं क्यों छोड़ू, ऑटो करो खुद जाओ। अब चल रहा है
पिछले दिनों देखा था शाजी जी रील बना रहे थे कच्चा बादाम पे। नहीं मैं बस क्लियरली बता दूं कि मेरे को ना सच में ये रील व्हील्स का ना थोड़ा उतना शौक नहीं है मुझे, लेकिन हाँ मेरे जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो जब बनाते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि नहीं सर आप भी हमारे साथ प्लीज रील बनाओ। आपकी रील तो कुछ अलग ही थी, आपका स्टाइल कुछ अपने द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को जरूर सुनाए। मेरे जो सच बोलूं तो लिखने का जो ये हुनर है ये मेरे गुरु जो है मिस्टर शशिभूषण शर्मा उन्होंने ही मेरे अंदर कहीं से ये डाला है ये हुनर, क्योंकि मैं जब भी उन्हें कुछ कहता था कि सर आई एम हैविंग अ थॉट इन माय माइंड तो वो हमेशा मुझे ये बात कहते थे कि यार शाजी लिखा करो कोई जो नहीं हुआ। और वाहिद ये बात मैं कैमरे पर फिर से एक बार कह रहा हूँ कि वाहिद इस पूरे जम्मू में वो मेरे एक ऐसे गुरु हैं सारे गुरुओं में जिन्हें मैंने ये देखा है कि जो गुरु की तरह नहीं एक बाप की तरह अपने सारे स्टूडेंट्स को प्यार करते हैं उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। सो मैं अगर आज मेरे पास मॉम डैड नहीं है तो मुझे शायद जब मेरे पास गुरु हैं मेरे तो वो कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने देते मुझे कि मेरे पास फादर नहीं है, और उनकी वजह से ही मैं लिखता भी हूँ, लिखने का हुनर भी आया मुझे, इवन कि मेरे में जो भी हुनर आया चाहे वो एक्टिंग सा हो चाहे वो कुछ और भी हो मेरे गुरुओं की वजह से, मिस्टर राजीव राणा एंड मिस्टर शशिभूषण शर्मा और मेरे जितने फैंस हैं या जितने भी ऑडियंस हैं हमारी उनकी वजह से। और जैसा यू सेड कि कुछ लिखा हुआ तो कुछ लिखा तो वही सुना देता हूँ कि ये फिजा उसे भी मेरी याद दिलाती होगी, मेरी याद उसकी आंखों को नम कर जाती होगी, सहम जाती होगी हर वो छोटी सी आहट पर, दूर होकर ही सही वो मुझे बुलाती होगी, इतना यकीन है मुझको अपनी मोहब्बत पर, वो लिख लिख के नाम मेरा अक्सर मिटाती होगी, कितना सताया मुझे कितना रुलाया मुझे ये सोच कर हमेशा वो नजरें झुकाती होगी, ऐसी वफा ना उससे की है किसी ने अब तक, याद करके मुझको वो आंसू बहाती होगी, उसकी फिक्र है आज भी शाजी न जाने क्यों, हाले दिल वो अपना अब किसको सुनाती होगी। माँ का सफर जो है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा था क्योंकि लोग आपकी और आपकी मदर से जो है वो इंस्पायर होते हैं, तो वो थोड़ा सफर हमारे साथ भी डिस्कस करें क्योंकि आपने माँ पे कविता भी लिखी थी, तो मैं चाहूंगी कि आज हमारे दर्शकों को भी वो कविता जरूर सुनाएं। तो जो आपने माँ का जिक्र किया ना, तो सबसे पहली बात मेरी ये मानना है कि इस दुनिया में आपके पास हर चीज की रिप्लेसमेंट है, आप यकीन मानिए आपके पास पैसों की रिप्लेसमेंट है, आपके पास रिश्तेदारों की रिप्लेसमेंट है, आपके पास दोस्तों की रिप्लेसमेंट है, क्योंकि एक वक्त के बाद आके दोस्त भी चेंज हो ही जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, डेट इज़ माँ बाप। क्योंकि माँ जो है ना वो पता नहीं ऊपर वाला कौन सा दिल देता है माँ को यार, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा दिल वाला कोई होता है वो माँ होती है, एक माँ के पास जो दिल है वो किसी के पास नहीं। और माँ के साथ मेरा सफ़र, मैं सच बोलूँ तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि उनके जो आखिर के वक्त था वो जिस तरह से मेरे साथ रहे, जिस तरह से उनके साथ प्यार है, मुझे ऐसा लगा कि पूरी की पूरी ज़िंदगी ना उन्हीं लम्हों में उन्हीं वक्त में उन्हीं पलों में कहीं आँखें सिमट गई। और यकीन मानिए एक साल हो गया है माँ को गए हुए यहाँ से मुझे छोड़ के, बट इट सडनली स्टिल फील्स लाइक, मतलब मुझे अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ पेन होती है ऐसा लगता है कि बस साथ खड़ी है और बोल रही टेंशन क्यों ले रहे हूँ ना पास होते तो कर। और यकीन मानिए माँ आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती, वो चाहे इस दुनिया से भी चली जाए चाहे आपके पास से चली जाए। बस एक बात का दुख रहा कि अभी शायद बहुत कुछ था उन्हें जो देखना था, मैं चाहता था कि वो देखें थोड़ा और ज़िंदगी जिस तरह से मैं चाहता था कि वो आखिर में अपनी एंजॉय करें सब कुछ देखें, बट अभी और नहीं हो पाया ओके, बट क्या कर सकते हैं यार, हिस्सा है ज़िंदगी का कि जिसने आना उसने जाना है, बट यू आर हियर माँ वही हैं। बिल्कुल माँ बाप कभी भी किसी के जाने नहीं चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ मिल जाती है पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, और एक व्यक्ति चल जाए तब बंदे की ज़िंदगी जो होती है आधी हो जाती है, तो जिसके दोनों ही ना हो तो उसके सिर पे मतलब एक किस्म से छत जो है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि माँ बाप एक छत के बराबर होते हैं।
शाजी जी मैं चाहूंगी कि वो कविता आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाए। चलिए आपने कहा तो मैं, क्योंकि जब मैंने भी वो सुनी थी तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, तो मैं चाहूंगी कि मेरे दर्शक भी वो आपकी कविता जरूर सुने, क्योंकि उसमें आपने एक एक पल के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, वो एक्चुअली कुछ ऐसा वक्त था कि जब माँ को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, ये उनके जाने के बाद की बात है कि मैंने माँ को, सच बोलूँ तो एक पल भी शायद ऐसा नहीं था कि जब उन्हें मैंने याद नहीं किया या वो मुझे याद नहीं आई। हमेशा वो मेरे पास रही, अभी भी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। तो ये कुछ जो लाइनें थी मैंने लिखी थी उनसे, कि किसी ने मुझसे पूछा क्या तुमने खुदा को देखा है, मैंने मुस्कुरा के बस माँ कह दिया, क्योंकि वही तो है जो जो बिना लालच के प्यार करती रही। हालात कैसे भी हों, वो जैसी थी वो वैसी रही, वो बदली नहीं हवाओं के रुख से, एक एक पल बस बच्चों के लिए मरती रही। कभी पड़ोसियों की बातें सुनी उसने, तो कभी अपने ही पति से लड़ती रही। पूरी दुनिया भी दुश्मन हो जाए भले, बस माँ थी जो अकेली झगड़ती रही। इसलिए जब भी किसी ने मुझसे पूछा क्या तुमने खुदा को देखा है, मेरी नम आंखों ने बस मुस्कुरा के माँ कह दिया, क्योंकि वही तो है जिसने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। अफसोस, जिस शिद्दत से प्यार से वो जागती थी मेरे लिए, मैं कभी उसके लिए नहीं जागा। और इस वजह से भी आला है सबसे रिश्ता तेरा मन, कि इस रिश्ते को खुदा खुद बांधे रखता है, कोई डोर या धागा नहीं। हर रिश्ता हाथ से फिसल गया रेत की तरह, बस एक तेरा ही रिश्ता जो मुझसे कभी भागा नहीं। इसलिए जब भी किसी ने मुझसे पूछा क्या तुमने खुदा को देखा है, मैंने फखर से सर उठा के बस मां कह दिया, बस मां कह दिया। क्या कहानी इन्होंने मतलब सोची उस समय और ये कविता लिख डाली, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है ऐसे नहीं लिख पाता है, पर इनके अंदर एक बोल सकते हैं टैलेंट है और इन्होंने लिख डाला, क्योंकि जो चीज़ दिल के साथ छू के जाती है वो व्यक्ति ज़रूर उसको लिख लेता है। चलो आगे की बात करते हैं शाजी जी, आगे के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आने वाले होंगे, क्या क्या करने वाले हैं अभी तो आने वाले दिनों में? अभी मैं अपना जो मेरा लिखा हुआ प्ले है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट हिट रहा है जम्मू एंड कश्मीर का कॉमेडी प्लेज में, चुप कर, वो अभी ऑन फ्लोर है, रिहर्सल्स कंप्लीट हो गई, अभी 31st को या 30 को मैं उसका शो एक श्रीनगर में कर रहा हूँ, उसके बाद एक शो उसका जम्मू में करूँगा, एक शो डोडा में, एक शो भद्रवाह में, और उसके बाद चुप कर 2 करना है मैंने, वो भी जम्मू में करूँगा, और उसके बाद चुप कर 3 भी करूँगा। तो बहुत सारा पैकेज है एंटरटेनमेंट का आप लोगों के लिए, मेरे पास बहुत सारा एंटरटेनमेंट मैं आपका करने वाला हूँ। अभी मिस्टर जोकर में कुछ आया ना? जोकर, सच बोलूँ तो जो जोकर वाला एक्ट था मेरा, मेरे यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं कि जोकर द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट, और वो सच में एक जो आर्टिस्ट होता है वो उसकी सच में ये लाइफ है, उसकी जिंदगी पूरी मैंने उस 15 मिनट के एक्ट में दिखाई है कि किस तरह से होता है। साथ में वो जोकर जो एक्ट था वो ये था कि मेरा एक प्ले था, वो खामखा मतलब कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के जरिए उसको एक धार्मिक रूप देने के लिए तो वो बंद करवा दिया था, तो फिर मैंने वो पूरा एक्ट प्ले बनाया था कि ये मेरा प्ले था, तो वो पूरा आप देख लोगे तो वो पूरा का पूरा मेरा प्ले है वो 15 मिनट में जो मैंने दिखाया है, तो उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो वो भी मैंने इसलिए उसमें डाला था। और साथ में जोकर का ये जो टैग है, मेरा नाम जोकर का, ये इसलिए मेरे साथ है कि लाइफ में हम सभी जोकर हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे आप मीडिया वालों की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी और आर्टिस्ट की बात करो, एक्टर की बात करो, क्योंकि हमारी लाइफ में इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है। आई थिंक फिर जब कहने पे आए तो फिर ये कहता है कि यार जब अपना दुख सुनते हैं तो अपना बड़ा लगता है, या किसी और का सुने तो फिर लगता है कि नहीं किसी और का ऐसे ही बड़ा। लेकिन ये बात सच है कि आर्टिस्टों की खासकर जम्मू में जो लाइफ है वो बहुत टफ है, और मुझे उनकी ये जो टफ लाइफ है इसी को बहुत आसान करना है, और इसीलिए मैं कभी मुंबई भी नहीं जा रहा। आप पूछ भी रहे थे ना कि मुंबई क्यों नहीं, बाहर क्यों नहीं, इसीलिए मैं मुंबई नहीं जाना चाहता। हालांकि मैं 2 बार कॉमेडी सर्कस के लिए भी सिलेक्ट हो चुका हूँ, दिल्ली में ऑडिशंस हुए हैं, जलंधर में ऑडिशंस हुए हैं, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि इस जम्मू से इतना प्यार है ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, यहाँ का आर्टिस्ट, वो भूखा ना मरे, उसके पास इतना कुछ हो करने के लिए वो। और मेरे लिए सबसे पहले सेलिब्रिटीज जो है मेरे जम्मू के आर्टिस्ट ही हैं, यकीन मानिए मेरे लिए पहले सेलिब्रिटीज मेरे जम्मू के आर्टिस्ट हैं, जम्मू वाले हैं, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, जिस तरह से भी हूँ, वो सब मुझे जम्मू ने दिया और जम्मू ने ही बनाया। सर जिस तरीके से अभी फिल्म इंडस्ट्री जो है वैसे जम्मू में आ रही है, तो क्या लगता है कि आर्टिस्ट को बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी?
नीति जी इस बात पे मैं ये बात कहूंगा, देखिए अभी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो इसको सेटअप होते होते अभी वक्त लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जम्मू में बहुत अच्छी अच्छी फिल्म हो रही है, मेरी फिल्म भी आ रही है देखना जरूर है, हमारी डोगरी फिल्म एक आ रही है, हरी सर ने उसको डायरेक्ट किया है, राकेश भैया ने और प्रवेश भाई ने जो है उसे प्रोड्यूस किया है, मौज मस्ती नाम है और मैंने उसमें डोगरी बोली है, पूरी फिल्म डोगरी में है, मैंने डोगरी मैंने उसके लिए डोगरी सुनी, उसका एक डायलॉग है, नाम मेरा बाबी है बाबे डैडी, ये जड़ा खड़ोता है मोटा है प्रवेश, ते कन्ने ये जड़ा इंस्पेक्टर राकेश, इन्हें मिगी मारिया, और उसमें मैं विलन का रोल करूँ, आप बिलीव करेंगे, मतलब हरी सर को मैं पूछ रहा था सर मैं सब मेरे में कॉमेडियन देखते हैं आपने विलन देख लिया, पता नहीं हम देख लेते हैं और जितने गंदे काम है सब करवाया है मुझसे उन्होंने, तो प्लीज सीरियस मत होइएगा, सिर्फ ऑन स्क्रीन ही है। तो और इसके साथ साथ क्या करने वाले आने वाले? अभी तो फिलहाल मेरा सारा का सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर पर है, और बहुत जल्दी मैं फिल्म मेकिंग की तरफ भी आ रहा हूँ, क्योंकि अभी एक इरफान भाई हैं, इरफान चौधरी जी हैं, उनके साथ एक मैंने शॉर्ट फिल्म की सुंदर फिल्म, उसमें शराबी का रोल था, और बहुत अच्छी बात है जम्मू के लिए भी अच्छी बात है कि वो फिल्म काफ़ी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हो गई है, एंड होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्या होता है क्या नहीं होता है। नशे की बात की जाए तो जैसे आपने बोला मैंने तो शराबी का रोल किया, बट नशे की बात की जाए आज का यूथ जो है वो नशे की ओर जा रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए मैंने लाइफ में सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट, अगर हम मेरा ग्रुप भी कोई ज्वाइन करते हैं मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनके लिए यही होती है कि नशा, इवन कि आपने चुटकी तक नहीं सुनी है तब आप मेरे ग्रुप में अलाउ हैं, क्यों? क्योंकि पिछले 8 साल से हम कंटिन्यूसली नवदुर्गा कलावन जो है वो नशे के रिहैब के साथ हमने मिलके काम करते हैं हम, उसके बाद एनसीबी डिपार्टमेंट जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके साथ मिलके हम काम करते हैं नशे की मुक्ति के लिए, और मैं सबसे पहले सब सारे जितने भी मेरे यूथ हैं अगर वो किसी भी किस्म का नशा करते हैं कुछ भी करते हैं तो मैं उनसे बड़ी एक बात कहूँगा, वो मैं किसी से अगर पूछता तो वो कहते हैं कि सर इतना आसान नहीं होता छोड़ना, भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके दिल में एक बार ठान ली ना आपने कि छोड़ना है तो आप कुछ भी छोड़ सकते हो, और अगर नशा करना है तो यार जिंदगी का नशा करो, खुदा की कसम कह रहा हूँ कि ईश्वर को भगवान को साक्षी मान के बात कर रहा हूँ कि जिंदगी के नशे से बड़ा कोई नशा नहीं है, आप हर पल में जिंदगी का नशा करो, जिंदगी को जियो, अपने माँ बाप के साथ जिंदगी को जियो, देखिए क्या नशा होता है यार, एक माँ बाप के प्यार का नशा, और इस प्यार का नशा ऐसा है ना जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करवा सकता है, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, अगर कोई बात कोई बंदा मुझसे आके ये बात कहता है कि आप लिख के दे, मैं लिख के दूंगा ये बात कि अगर माँ बाप से प्यार का नशा करोगे ना तो इस दुनिया में आपको किसी भी चीज़ की ना कभी कमी होगी, ना किसी चीज़ की आपको कभी तरसना पड़ेगा, आपको हर चीज़ आपके हाथों में कैसे पहुँच जाएगी किस तरह पहुँच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए नशा करना है ज़िंदगी का कीजिए, काम का कीजिए, और अगर आप छूटना चाहते हैं तो आप मेरे पास आइए, थिएटर में आइए, मेरे पास ज्वाइन कीजिए, या और भी कोई ऐसे सीखना चाहता है करना चाहता है थिएटर तो मेरे पास आइए, और मैं कोई फीस नहीं लेता, मैं बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ, तो कोई फीस नहीं लूंगा, कुछ बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा आपको, अच्छा न सिर्फ थिएटर बल्कि थिएटर हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, सलीका सिखाता है कि जिंदगी को जिया कैसे जाता है, दूसरों से बात किस तरह की जाती है, इस समाज को किस तरह से देखा जाता है, इस समाज में कितनी अच्छी अच्छी चीजें, और सही पॉजिटिव, नेगेटिव हमारे पास है ही नहीं भाई। सो इफ एनीवन इंटरेस्टेड या किसी भी किस्म का वो नशा भी छोड़ना चाहता है प्लीज आप बेझिझक मेरे पास आए, मुझे कॉन्टेक्ट करें, या 2 बजे के बाद मैं अभिनव थिएटर में ही होता हूँ वहीं पर ग्राउंड में, वहां पर आ जाए मिले मुझसे, आई एम ऑलवेज रेडी अवेलेबल। अचीवमेंट्स तो बहुत सारी होंगी, मुझे जहाँ तक लगता है कि व्यूअर्स भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, मैं चाहूंगी कि आज अपनी अचीवमेंट्स की तो सच बोलूं तो अचीवमेंट्स तो इतनी है, अब शायद मुझे याद भी नहीं है कि मतलब, क्योंकि एक कमरा ही है पूरा वहाँ पे, तो कुछ अवार्ड्स तो बस समझ में नहीं आता मैं रखूँ कहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे ही पड़े हुए, कोई बेड के नीचे डाला हुआ है, कोई इधर डाला हुआ है, लेकिन मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है मेरे हिसाब से ये मानना है कि, और वो जब मेरा प्ले बंद करवाने आए थे उस वक्त भी मैंने ये अचीवमेंट की, वो मेरे को महसूस भी हुई कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है, मेरी जितने भी आर्टिस्टिक फील्ड है जितने भी हैं, मतलब वो सब इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना अपनापन दिखाते हैं, इससे बड़ी अचीवमेंट एक आर्टिस्ट के लिए, एक जोकर के लिए नहीं हो सकती है मेरा जहाँ तक मानना है, और मेरा खुद की एक लाइन है कहने के लिए कि दिलों पर राज करने में वो मज़ा आता है जो कागज़ों में राज करने में नहीं आता, तो कागज़ों में राज करने वाले सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह जाते हैं, पर जो दिलों पर राज करते हैं उनका बात ही अलग है, और उनकी एक सेटिस्फेक्शन अलग होती है। शाजी जी बड़े बड़े ऐसा भी होगा कि बड़ों ने आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की होगी, क्या कभी हुए?
नहीं, हाँ हाँ डेफिनेटली, अभी मैं बोलता रहा हूँ पिछले साल ही मेरा एक प्ले बंद करवा दिया गया, और उनको ये पता था इस प्ले के बारे में कि ये प्ले जो है पूरा व्हाइट वॉश कर देगा, मतलब उसमें हर कुछ था, उसमें डांसेस थे, अरेबिक फ्यूजन्स था, उसमें बॉलीवुड था, उसमें क्या नहीं था, और इस लेवल का प्ले था यहाँ पे। आई थिंक शायद वो लेवल अभी नहीं देखा होगा किसी ने जो मैं करने वाला था वहाँ पे। तो डीमोटिवेट तो करते हैं, लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते हैं। आप देखिए दो ही चीजें होती है, या तो वो खुद अच्छा काम कर ले, या जो अच्छा काम कर रहा है उसको रोक के उसको बोले कि भाई तू हमारे लेवल का बुरा काम कर ले तो ठीक है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। वो कहते हैं ना कि शाख से उड़ जाए वो पत्ता नहीं हूं मैं, तूफान से कह दो अपनी औकात मेरे, और यकीनन हाथ तो हुए होंगे उनके भी जख्मी जो कांटों में मेरी राहों में बिछा रहे होंगे। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आपका एक मैसेज जो है आपकी पोएट्री के थ्रू किया जाए तो ज्यादा मैं सिर्फ एक ही बात सबसे कहना चाहूंगा कि यार जिंदगी जीने के लिए है, तो आप जिंदगी को बहुत खुशनुमा होके जिए, और प्लीज मोबाइल को थोड़ा साइड रख के जो मेरा यूथ है उनसे कहूँगा कि आधा एक घंटा अपने माँ बाप के साथ बिताया कीजिए, वो एक घंटा आपको 100 जिंदगियों के बराबर महसूस होगा, इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा। और सिंपल सी दो लाइनों के साथ मैं अंत करूँगा कि जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है, है ना। बहुत अच्छा लगा आज शादी जी से मिलकर, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत अच्छे कॉमेडियन है, और इन्होंने बीच में इमोशनल भी कर दिया मुझे, पर साथ में ही मुझे हंसा भी डाला अपनी बातों से। तो बहुत अच्छा लगा इनसे आज मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे टॉक शो में बने के लिए। और आपने जैसे देखा है कि शुरुआत भी इन्होंने, मेरा इंट्रो भी इन्होंने ही दिया, आगे मैं खुद देती थी, पर आज इन्होंने मजा मजे में इन्होंने कहा, मतलब मैंने इनको कहा कि चाहूंगी कि आज मेरा इंट्रो जो है वो आप दे दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा आज इनसे बातचीत करके। अगर आप लोगों के अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट है तो जरूर अर्ली पोस्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए, और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।